चांडिल थाना क्षेत्र के रावताड़ा निवासी 19 वर्षीय करण महतो की हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं होने पर क्षेत्र के लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। करण के हत्या के 5 दिन बाद भी अब तक पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर रविवार शाम को सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। थाना क्षेत्र के रावताड़ा से चांडिल थाना गेट तक सैकड़ों लोग जुलूस की शक्ल में कैंडल मार्च लेकर थाना पहुंचे। वहीं थाना के गेट के समक्ष बैठकर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की। ग्रामीणों ने करण महतो के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। रविवार शाम से देर रात तक चांडिल थाना के गेट के समक्ष ग्रामीण डटे थे। रात्रि करीब 9 बजे चांडिल SDPO सुनील कुमार राजवार, थाना प्रभारी वरुण यादव एवं अन्य लोग पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता विफल रही। इसके बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर रात्रि 2:30 बजे SDPO सुनील कुमार राजवार ने ग्रामीणों से आश्वस्त किया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। SDPO ने 7 दिन के भीतर मामले का पटापेक्ष करने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और अपने घर लौट गए। करण महतो मौत के मामले में SDPO सुनील कुमार राजवार ने कहा कि इस मामले को लेकर SIT गठित की जा रही है। टीम द्वारा घटना के हर एक बिंदु पर जांच की जाएगी। बहुत जल्द मामले का खुलासा होगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि पुलिस को सहयोग करे, न्याय जरूर मिलेगा। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। दोनों रिपोर्ट के आने का इंतजार है। बता दें कि बीते 6 मार्च की तड़के चांडिल मुख्य मार्ग पर लेंगडी रावताड़ा निवासी 19 वर्षीय करण महतो का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। मृतक के मोबाइल फोन पर पाए गए व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल तथा शव के निशानों को देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं परिजनों ने चांडिल थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया है। शव के गले में धारदार हथियार के निशान हैं। व्हाट्सएप चैट पर किसी ने मृतक करण महतो को मिलने के लिए बुलाया था। चांडिल पुलिस हत्या के मामले को दर्ज कर जांच कर रही है। हम लोग को हत्या कर दिया गया है, हम लोग का बच्चा को हत्या कर दिया गया है। हम लोग को थोड़ा सा ये भी नहीं हुआ, भनक भी नहीं लगा है। हम लोग एक्सीडेंट करके मतलब बदला दे रहा कि एक्सीडेंट हुआ है बोल के, और हम लोग को बच्चा को एक इंसाफ चाहिए भाई, हमको इंसाफ चाहिए, बच्चा का मेरा इंसाफ चाहिए। किसी पर शक है आपको? हाँ, शक तो अपने पुलिस प्रशासन करेगा। उतना जब मिला है उसको, सब कुछ मिल गया चुका है, और तो क्या मिलने वाला है भाई। क्या क्या मिला है उसको? सब मोबाइल पूरा ये मिल गया है, मैसेज मिला, आपका खून दिखा दिए, खुद हम लोग दिखा दिए उसको, डिटेल्स मिला है। पूरा टोटल जो देखना है आपको, चलिए हम दिखा देंगे। और क्या देखना है? क्या कह रहा पुलिस प्रशासन? तो आपके लिए पुलिस प्रशासन 5 दिन हो गया, 5 दिन हो गया भाई, क्या किया पुलिस प्रशासन? हमको इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए मेरा कातिल को, फांसी चाहिए।